हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है हमारा डिस्कशन का वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन से ही समझ में आ रहा है कि आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करना है, या फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने ट्रांसफ़र करना है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ देखिएगा, हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रखे हैं आपके पास। यहाँ पर हमने देखिए एक पॉइंट दिखा रखा है पी। ये आपके पास पी जो है वो कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिस्टम, कोई भी इवेंट कंसीडर कर लीजिए, और पी जो है हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका ओरिजिन ओ है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर हमने शो कर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। आपकी ये तीन एक्सिस दे रखी हैं। ओ ऑब्जर्वर जब पी सिस्टम को, पी ऑब्जेक्ट को या पी पॉइंट को देख रहा है, तो अब यहाँ देखिएगा आपके पास इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और इधर आपके एक्स वाई जेड, अगर हम यहाँ पर इनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम देना चाहें तो कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चाहे आप ऐसे से देखें, जो एस डैश से देखें, अब ये देखिए एस डैश से या कहीं ओ डैश से ये जो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है पी का उतना ही है जितना कि ओ से आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है पी का। इट मीन्स जो डिस्टेंस है या जो कोऑर्डिनेट चेंज है दोनों सिस्टम्स के अंदर, वो सिर्फ आपका एक्स है। यानी कि पी पार्टिकल के लिए आप ओ से देखें तो वर्टिकल हाइट वही है जो आप ओ डैश से देखेंगे। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट ओ से जो देख रहे हैं और जो ओ डैश से देख रहे हैं, दे आर सेम। तो अब यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर रखा है रेस्ट में। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट के अंदर है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है वो रेस्ट के अंदर है। तो जो ऑब्जर्वर ने पी पॉइंट को देखा तो उसको कोऑर्डिनेट नज़र आए एक्स, वाई और जेड। उसके बाद आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास और भी है, एस डैश। एस डैश इज़ मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर शुरुआत कैसे करेंगे हम। हमारा जो ओ डैश है, या कहिए ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पर था व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, यानी कि इनिशियल कंडीशन पर। एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ओ इज़ एट ओ डैश, और कहीं ओ डैश इज़ एट ओ। इट मीन्स कि आपके पास दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही जगह पर थे एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो से आप इंक्रीज़ कर रहे हैं टाइम, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट टू मूव। इट मीन्स कि इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इट वॉज लाइंग एट दिस, ओ डैश वॉज एट ओ, एंड एज द टाइम स्टार्ट दिस ओ डैश स्टार्ट्स टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ करते हैं, एक आपके पास इंडस्ट्रियल, एक है नॉन इंडस्ट्रियल। तो अब ये देखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये रेस्ट में ही रहेगा। तो ये आपका इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, वो भी क्या होता है? आपका इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गए? आपके इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। ओ डैश पर जो ऑब्जर्वर है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये ऑब्जर्वर लगातार कहाँ मूव कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो अब देखिएगा, पी जो आपके पास पॉइंट है, जब हम ओ से देख रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? एक्स, वाई और जेड। ओ डैश पर बैठा ऑब्जर्वर जब इस पी पॉइंट को देखेगा तो उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप टी मेंशन नहीं करेंगे तो ओ डैश पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर, ओ डैश पर जो ऑब्जर्वर लाई कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू मूव, मूव करे जा रहा है ओ डैश ऑब्जर्वर, मूव किए जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश फॉर पी आर गोइंग टू बी चेंज्ड। तो वो लगातार चेंज होंगे, कॉन्टिन्यूसली द कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी चेंज। तो एट एनी टाइम टी फॉर ओ द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स, वाई, जेड, एंड फॉर
O dash, the coordinates are x dash, y dash and z dash, where y is equal to y dash and z is equal to z dash. Why? Because the motion is along x axis. The coordinate of x axis are going to change. Y dash and z dash or along y and along z coordinates, there is no motion, hence there is no change in the coordinates. So yahan dekhiye, what is the relation in between x dash, x and vt? This whole distance is x, this distance is x dash, and this x dash is at time t. It means this distance traveled, or the distance in between O and O dash at any time t is equal to vt. Distance is equal to velocity into time. अब यहाँ से देखिए, एक रिलेशन दे सकते हैं कि जो आपका x है, that is the combination of x dash and vt. X is equal to x dash and vt. हम देखें, जब ऑब्जर्वर O से देखेंगे, ऑब्जर्वर O जब देखेगा तो वो किसको देखेगा? वो यहाँ देखेगा, यहाँ इस फिगर को देखेगा. तो O से जब देखेंगे तो हमें सारा सिस्टम किस में नज़र आएगा? x dash में नज़र आएगा. फ्रॉम ऑब्जर्वर O, द एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी. ये बिल्कुल वैसे ही समझिएगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं, आपकी ट्रेन रेस्ट में है, और जो है दूसरी ट्रेन आपकी मोशन में है वी वेलोसिटी से एट एनी टाइम टी. तो आपको अपनी पोजीशन नज़र नहीं आएगी, आपको पोजीशन दूसरे की नज़र आएगी, आप उसकी पोजीशन देख रहे होंगे. तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि ओ ने किसको देखा? ओ अपने सेट को नहीं देख रहा, अपने कोऑर्डिनेट्स को नहीं देख रहा, वो किसको देख रहा है? रिलेटिव टू ओ पोजीशन किसकी देनी पड़ेगी हमें? किसके विद रिस्पेक्ट टू देनी पड़ेगी? एक्स डैश के. फ्रॉम ऑब्जर्वर ओ, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी. आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक्स जो है था एक्स डैश प्लस वी टी था, तो एक्स डैश की वैल्यू एक्स माइनस वी टी यहाँ से आ जाएगी. नेक्स्ट, वाई डैश इज इक्वल टू वाई. हमारे पास ये डिस्टेंस y डैश है, ये डिस्टेंस y, एंड y एंड y डैश आर सेम. सिमिलरली द थर्ड कोऑर्डिनेट्स z डैश एंड z आर सेम, एंड एट सेम टाइम ऑब्जर्वर O से और ऑब्जर्वर O डैश से एक ही टाइम के ऊपर हमने P की पोजीशन बताई है, तो टाइम भी हमारा सेम है. t डैश और t दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर टाइम हमारा सेम है. सिमिलरली जब आप O डैश से देखेंगे, तो दिस इज़ द रनिंग ट्रेन एंड दिस इज़ द ट्रेन विच इज़ इन रेस्ट. रनिंग ट्रेन से जब देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी, जिसका मतलब अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं. x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश एंड t इज इक्वल टू t डैश. तो आपके ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं. तो ये जो आपकी दो सेट ऑफ इक्वेशन है, फ्रॉम द ऑब्जर्वर O एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर O डैश, इन्हीं को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं. तो आप अगर इसको डिफाइन करना चाहें, व्हाट आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस? दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशंस विच गिव्स द रिलेशन इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच वन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इन रेस्ट एंड अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो अब ये देखिएगा, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपने इसके सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ क्या किया है? उसका रिलेशन निकाला है जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका रेस्ट में था. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दीज आर द इक्वेशंस विच गिव्स द रिलेशन इन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच वन कोऑर्डिनेट सिस्टम और वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन रेस्ट एंड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये दोनों ही आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है. इन जब ऑब्जर्वर O से आप देख रहे हैं, दीज आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. एंड व्हेन यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट O डैश, देन दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. तो ये आपके इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाएंगे. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सारे के सारे न्यूटन्स लॉ को क्या किया जाएगा? ओबे किया जाएगा. तो ये देखिए, जो इक्वेशंस हमने निकाली हैं वो हमने कहाँ से निकाली हैं? हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाली हैं. इट मीन्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर गोइंग टू ओबे द लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन.
तीनों के तीनों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड जो आपके पास था दैट वेयर द मोमेंटम इज रिलेटेड विद फोर्स, एंड द थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑल दीज थ्री लॉज आर वैलिड इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहाँ देखिए हमारी कौन सी क्वांटिटी जो है वो आपके पास वेरिएंट है और वेरिएबल है, और कौन सी क्वांटिटी आपके पास नॉन वेरिएबल है या जो चेंज नहीं हुई। दिस इज़ द सेट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड। जस्ट डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी विल गेट डी एक्स डैश अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी टी। ये आपके पास सिर्फ ही रह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डी एक्स डैश अपॉन डी टी, वट इज़ डी एक्स डैश अपॉन डी टी, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। इफ दिस पार्टिकल इज़ इन मोशन देन एक्स डैश इज गोइंग टू चेंज, इफ दिस पार्टिकल इज़ इन मोशन इट मीन्स एक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हैंस दिस डी एक्स डैश अपॉन डी टी इट रिप्रजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी with respect to the observer O dash, and this is the velocity of again the particle P, but now this is the velocity when it is observed with the observer O. dx dash upon dt can be written as ux dash, and dx upon dt can be written as ux. Now what is ux dash and what is ux? It means the P particle is in motion and the P particle is moving along x-axis. So the along x-axis, when the observer is just observing the velocity of P, then the observer O dash is finding out that the P is moving with ux dash velocity. It means कि जब आपका P point या P particle या P system move कर रहा है और observer O dash उसको देख रहा है, तो O dash को P की velocity कितनी नज़र आ रही है, ux dash नज़र आ रही है। इसका मतलब पार्टिकल जो पी है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ओ डैश। ऑब्जर्वर ओ जो है जब वो पी को देखेगा तो उसके लिए पी की एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो यू एक्स नज़र आ रही है। तो अब ये समझ में आ गया, ये वेलोसिटी है आपकी यू एक्स डैश, ये वेलोसिटी आपके पास क्या है यू एक्स है, और ये वेलोसिटी किसकी है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इसका मतलब पी भी मूव कर रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है। तो पी वी इज़ इन मोशन, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मोशन, बट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन रेस्ट। तो ये आपके पास देखिए यहाँ पर इक्वेशन आ गई। अब देखिए पी जो है मान लीजिए कि वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। When you are just watching it from the observer O, it means ये आपके पास यू एक्स तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। अगर हम ये कह दें जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो सोचिए कि ये पार्टिकल आपका 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ओ, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर दिस पार्टिकल इज इन मोशन बट द वेलोसिटी इज 5 माइनस 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स वेलोसिटी इज अ रिलेटिव क्वान्टिटी। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन रेस्ट द पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी यू एक्स, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन मोशन विद वेलोसिटी वी, देन द पार्टिकल वेलोसिटी बिकम्स यू एक्स डैश। वो यू एक्स नहीं रही, अब वो यू एक्स डैश हो गई। अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वी से मूव कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप रेस्ट से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, और जब आप मूव करते हुए उसी पार्टिकल की बॉडी की वेलोसिटी को देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इट मीन्स वेलोसिटी इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई मोशन ही नहीं है, तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई, डी वाई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई। इस इक्वेशन का मीनिंग देखिएगा, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है। सेकंड इक्वेशन ये कह रही है कि पी पार्टिकल जो है अलोंग एक्स वाई एक्सिस मूव ही नहीं कर रहा। अगर अलोंग वाई एक्सिस मूव नहीं कर रहा तो वाई डैश क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वाई डैश के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। आप ओ डैश से देखिए
या फिर आप ओ से देखिए, तो आपका सिस्टम ये वाला जो है ये तो कहाँ मूव कर रहा है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये सिस्टम आपका वाई एक्सिस के अलोंग मूव ही नहीं कर रहा। तो जब वाई एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा तो इस पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग आपकी चेंज नहीं होगी। तो आप ऑब्जर्वर ओ से देखेंगे तो भी आपको 0.5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ नज़र आएगा, ओ डैश से देखेंगे तो भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो अब आपके पास इट मीन्स आप जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएशन शो करती है, बाकी डायरेक्शंस में पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएशन शो नहीं करती मोशन के साथ। सिमिलरली आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग भी कोई मोशन नहीं है सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो आपकी जेड एक्सिस की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो चेंज नहीं होगी। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कीजिए और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी, यू एक्स डैश प्लस यू वाई डैश प्लस यू जेड डैश। इट मीन्स ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू डैश से। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने यू डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेंगे तो वेलोसिटी ही आएगी। सिमिलरली यहाँ देखिएगा राइट हैंड साइड हमारे पास यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड है, इट मीन्स आप ऑब्जर्वर ओ से जब देख रहे हैं ना पी पार्टिकल को तो ये वेलोसिटी है और इन तीनों को जोड़ने से आपके पास यू आ गया और माइनस वी यहाँ पर है, ये भी आपके पास माइनस वी है। तो इस इक्वेशन का लास्ट इक्वेशन का मीनिंग देखिएगा, यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी व्हेन इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम ऑब्जर्वर ओ, यू डैश इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी व्हेन द व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्जर्वर ओ डैश एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेकेंड सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड जो आपके सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स था वो था। देखिए दोनों के लिए ओ से देखा वेलोसिटी यू, ओ डैश से देखा वेलोसिटी यू डैश, क्योंकि ओ डैश कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वी से मूव कर रहा था। इसी में अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन में भी कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते। तब ये देखिएगा पीछे जो हमारी इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट यू एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर जो वी है कांस्टेंट है टाइम के साथ, वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी टाइम के साथ वेरिएशन कितना दिखाएगी, जीरो दिखाएगी। यू विल गेट डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी। तो इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी कैन बी रिटर्न एज ए एक्स डैश, डी यू एक्स अपॉन डी टी कैन बी रिटर्न एज ए एक्स। सिमिलरली आप y डैश को डिफरेंशिएट कीजिए, y को डिफरेंशिएट कीजिए, यू विल गेट ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई एंड ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड। फोर्थ फिफ्थ इक्वेशंस को ऐड कीजिएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6, वी विल हैव ए एक्स डैश दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए वाई डैश एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस within S dash frame of reference, similarly you get AZ dash। तो अगर हम इन तीन इक्वेशंस को ऐड कर दें, AX dash plus AY dash plus AZ dash is equal to AX plus AY plus AZ, ये आपको यहाँ से पर ऑप्टेन हो जाएगा, यू विल गेट दिस AX dash plus AY dash plus AZ dash, दिस इज द एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इन तीनों को हम ऐड करके इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए डैश। दीज थ्री रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश एंड दीज थ्री आर रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब इसका मीनिंग देखिएगा, इक्वेशन नंबर जो 7th है वो यहाँ पर हमें क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर 7th हमें ये बता रही है कि ये हमारा पार्टिकल था पी, पी पार्टिकल लगातार कभी इसकी वेलोसिटी कम हो रही है कभी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स द पी पार्टिकल इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन, देर इज़ अ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन द पी पार्टिकल, पी पार्टिकल इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, पी पार्टिकल
is moving with 2 meter per second. After 1 second it is moving with 4 meter per second. After 1 second it is moving with 1 meter per second. For the observer O dash, if the acceleration of particle P is 5 meter per second square, you will have the same acceleration for the observer O. तो आपका जो एसलेशन है वो एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है या ऑब्जर्वर आपका मोशन में है. तो ओ से देखेंगे तो भी एसलेशन वही नज़र आएगा जो एसलेशन ओ डैश से पी पार्टिकल का नज़र आ रहा है. तो पी पार्टिकल का एसलेशन सेम रहेगा फॉर ऑब्जर्वर ओ विच इज़ इन रेस्ट एंड फॉर द ऑब्जर्वर ओ डैश विच इज़ मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस. तो आपकी जो एसलेशन है वो कैसी क्वांटिटी आई है, वो एक नॉन वेरिएबल या कहिए इनवेरिएबल या इनवेरिएंट क्वांटिटी आई है. जबकि यहाँ देखिएगा जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी आपके पास कैसी वेरिएबल क्वांटिटी आई थी, वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी में आपके पास यू डैश ओ डैश से देखा तो यू डैश वेलोसिटी है, ओ से देखा तो यू वेलोसिटी है. क्यों? क्योंकि ओ डैश वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ओ डैश वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओ रेस्ट में है. इवन दो आफ्टर दैट बोथ ऑब्जर्वर आर गेटिंग द सेम एसलेशन फॉर द पॉइंट पी, सेम एसलेशन है. अब देखिए ए डैश इज इक्वल टू ए है और न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग, अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देर इज़ नो चेंज इन द मास वेदर द पार्टिकल इज इन रेस्ट एंड वेदर द पार्टिकल इज इन मोशन. सो लेट अस कंसीडर द मास ऑफ द पार्टिकल P from the observer O is m and it is equal to the mass which is seen by the observer O dash because according to classical mechanics mass is a constant quantity, wo change nahi hogi. Both side multiply kar dijiye m dash into a dash and m into a because a dash is equal to a and we will get m dash a dash is equal to f dash and m a is equal to f. What is f dash and what is equal to f? F dash particle की लगातार motion velocity में changes हैं. It means the particle is facing some external force. For the observer O dash, the particle is experiencing an external force f dash. And for the particle O, the particle P is experiencing a force f. And both are equal. It means again the force is an invariant quantity. It does not depend whether the observer is in rest and the observer is in motion. It means Newton's laws are hold in all the inertial frame of reference, whether the frame of reference it is in rest or whether it is moving with a constant velocity along a particular direction. तो हमारे पास S frame of reference जो rest में था, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका वी वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा था, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारा जो फोर्स है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी आ रही है, इनवेरिएंट. तो इनवेरिएंट क्वांटिटी अगर है तो इट मीन्स द फोर्स इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विद मोशन और विद पोजिशन ऑफ रेस्ट और विद ऑब्जर्वर. तो ये आपके पास आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रिजल्ट्स थे जो शो कर रहे हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल क्वांटिटी है, एसलेशन हमारे पास कैसी है, एक इनवेरिएबल क्वांटिटी है. मास को हमने कंसीडर किया, हमने निकाला नहीं है यहाँ पे कि वेरिएबल है या नहीं है, जस्ट वी पुट इट डाउन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स. मास रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड एट दिस कंडीशन मास रिमेंस कॉन्स्टेंट वेदर इट इज़ इन रेस्ट और इट इज़ मोशन. At this particular condition, we find out that Newton's laws are obeyed in both the frame of reference for S and S dash.